हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस इजी रेसिपीज। आज मैं एक और हेल्दी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसको हमने रागी और ओट्स से बनाया है। आपने अप्पे बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन आज हम आपके लिए रागी और ओट्स से अप्पे बनाएंगे। ये बहुत ही हेल्दी हैं और जिन लोगों को वीट एलर्जी होती है वो भी इसको आराम से खा सकते हैं। आइए देखते हैं इन्हें कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमने एक कप रागी का आटा लिया है। कहीं कहीं इसे मांडवा का आटा या नाचनी का आटा भी बोलते हैं। ये एक कप हमने ओट्स लिए हैं, जिनको हम एक मिक्सर जार में डालकर बारीक पीस लेंगे। ये देखिए, ओट्स एकदम बारीक पीस चुके हैं। इनको भी हम रागी के आटे के साथ मिला देंगे। अब ये एक कप हमने दही लिया है। दही को भी धीरे धीरे करके इसमें मिलाएंगे। दही को मिलाने के बाद इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। ये एक कप पानी मैंने लिया है, इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे और एक लम्प्स फ्री बैटर हम बनाएंगे। हमने ये सारी सामग्री को मेजरिंग कप से नाप कर लिया है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप किसी कटोरी से भी नाप कर ले सकते हैं। अब इस बैटर को 2 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये देखिए, इस तरह का बैटर बनकर तैयार हुआ है। मैंने एक कप पानी लिया था, जिसमें से आधा कप पानी यूज हुआ है। अब हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डाल देते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। सॉल्ट को भी हम इसमें मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स मिक्स कर देंगे। ये हमने कुछ मिक्स वेजिटेबल्स ले लिए हैं, जिनको हमने फाइनली चॉप कर लिया है। इसमें ऑनियन, फ्रेंच बीन्स, गाजर, पत्ता गोभी, रेड, येलो, ग्रीन तीनों कलर की शिमला मिर्च ली है, हरी मिर्च और हरा धनिया। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। वेजिटेबल्स की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब इन सारी वेजिटेबल्स को हम इस बैटर में मिक्स कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। बैटर को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 3-4 टीस्पून फ्रूट सॉल्ट डाल देंगे और 1 टीस्पून इसमें पानी डाल देंगे, जिससे कि ये फ्रूट सॉल्ट एक्टिवेट हो जाएगा और इसको बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब ये एक अप्पे पैन हमने लिया है, इसको हम गैस पर गरम करने के लिए रख देते हैं। पैन गरम हो चुका है, अब हम गैस की हीट स्लो कर देंगे और एक ब्रश की सहायता से थोड़े से ऑयल से इसको ग्रीस कर देंगे। और अब हम इसमें थोड़े थोड़े दाने मोटी वाली राई के डाल देंगे। जैसे ही राई चटकने लगेगी हम इसमें बैटर डाल देंगे। अब हम एक स्पून से थोड़ा थोड़ा बैटर इसके सांचे में फिल कर देंगे। अब हम गैस की हीट को मीडियम कर देते हैं और इसको लिड से ढक देते हैं और 2 मिनट के लिए इसको पकने देते हैं। इनको पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, ऊपर से आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इनको पलट देते हैं। ये देखिए, मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ कितना सुंदर कलर इसके ऊपर आया है। एक बार सारे अप्पे पलटने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल और डाल देते हैं, जिससे कि ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से सिक जाए, और इसको 2 मिनट के लिए लिड से ढक देते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। हम इनको पलट कर देख लेते हैं। देखिए, बहुत बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप इन्हें और ज्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो थोड़ी देर इनको ऐसे ही और सेक लीजिए। हमारे अप्पे सिक कर तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से बचा हुआ लॉट भी सेक लेते हैं और गर्मा गर्म सर्व करते हैं। ये देखिए, एक पीस में आपको तोड़कर दिखाती हूँ। बाहर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट। इस तरह से बहुत ही कम ऑयल में बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे गर्म गर्म चाय के साथ सर्व कीजिए या चटनी के साथ ऐसे ही खाइए। हेल्दी चटनीज का वीडियो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप इसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक किसी भी समय खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ साथ बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।